सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने माइनक्राफ्ट में 24/7 का फ्री होस्ट कैसे कर सकते हो। मैं आप लोगों को कोई एटरनॉस वगैरह ये सब नहीं बताने वाला। मैंने एक न्यू होस्टिंग फाइंड किया है जिसके अंदर आप लोगों को माइनक्राफ्ट में 24/7 का फ्री सर्वर होस्ट मिलने वाला है। एंड यहाँ पे इनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे कुछ इवेंट्स भी चल रहे हैं जिसके अंदर यार आप लोग इन्वाइट करोगे तो आप लोग अपने सर्वर का रैम इंक्रीज कर सकते हो 4GB तक। समझ लो यार 4GB में यार आराम से आप लोग 20 या 25 प्लेयर तो खेल ही सकते हो। सो गाइस इसलिए ये होस्टिंग बहुत ज्यादा बेस्ट है। एंड मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग सबसे पहले सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप लोग सर्वर कैसे क्रिएट करोगे तो आप लोग अपना रैम एंड सीपीयू कैसे बढ़ाओगे। सो यार ये तो हो गई बात यार रैम एंड सीपीयू की। सो चलो यार बिना किसी देर वीडियो को शुरू करते हैं एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को सर्वर कैसे क्रिएट करना है। आप लोगों को मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाके ज्वाइन कर लेना। एंड आप लोगों को यहां चले जाना है MC होस्टिंग में। एंड यहां पे आप लोगों को सील्ड होस्ट देखने को मिलेगा, तो ये वाला सर्वर ज्वाइन कर लेना। एंड मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। सो आप लोगों को यहां पे आना है एंड यहां पे देखते हो फ्री होस्ट वाले चैनल में जाना है। देन यहां पे आप लोगों को एक लिंक देखने को मिलेगा सील्ड होस्ट की वेबसाइट की, तो यहां पे आप लोगों को इसको क्लिक करके इसको अपने ब्राउजर में ओपन कर लेना है। सो यहां पे हम लोग थोड़ा वेट करते हैं एंड इसको ओपन होने देते हैं। सो यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पहले ही एक जो सर्वर है वो बना रखा था। तो सबसे पहले जब आप लोग यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि आप लोग जीमेल वगैरह डाल के क्रिएट कर लेना। एंड आपके जीमेल पे यार एक नोटिफिकेशन जाएगा जो कि वेरीफिकेशन के लिए। सो वहाँ से यार आप लोग वेरीफाई कर लेना, देन आप लोगों को जो है यहाँ पे क्रेडिट्स वगैरह एंड आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि सर्वर यार आप लोगों को कैसे क्रिएट करना है। सो गाइस जब आप लोग साइन अप वगैरह कर लोगे तो यहाँ पे आप लोगों को सील्ड होस्ट की वेबसाइट पे आना है। देन आप लोगों को 3 डॉट पे जाना है एंड यहाँ से आप लोगों को सर्वर वाले ऑप्शन में जाना है। एंड यहाँ पे मैंने चेकिंग के लिए पहले एक सर्वर क्रिएट करके रखा था। सो यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट न्यू सर्वर पे क्लिक करना है। देन आप लोगों को यहाँ पे सर्वर का नाम डालना है, तो यहाँ पे मैं सर्वर का नाम GWMcraft2 डाल देता हूँ। पहले ही मैंने एक सर्वर क्रिएट करा था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो कैसे सर्वर क्रिएट करना होता है। सो यहाँ पे देखो मैंने नाम डाल दिया। एंड यहाँ पे यार आप लोगों को सॉफ्टवेयर मतलब कौन से गेम का करना है, तो यहाँ पे मैंने माइनक्राफ्ट सेलेक्ट कर दिया। नीचे यार आप लोगों को क्लिक करना है, देन वहाँ पे आप लोगों से पूछेगा कि आप लोगों को बेडरॉक वैनिला चाहिए फिर पेपर एमसी। पेपर एमसी मतलब कि यार जावा एडिशन के लिए, बेडरॉक वैनिला अगर आप लोग पॉकेट एडिशन खेलते हो बेडरॉक एडिशन तो वो सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने बेडरॉक एडिशन सेलेक्ट करा क्योंकि मैं पॉकेट एडिशन से ज्वाइन करने वाला हूँ। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें, बस इतना ही आप लोगों को करना है। देन आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट न्यू सर्वर जो है मतलब कि यहाँ पे क्लिक करके आप लोगों को सर्वर को क्रिएट कर देना है। एंड देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को 200% CPU एंड 2GB RAM देखने को मिलता है, जो कि यार इसमें आप लोगों को 20 प्लेयर्स इजिली है। हाँ गाइस 20 प्लेयर्स आप लोग इजिली खेल सकते हो। सो यहाँ पे मेरा जो सर्वर गाइस वो क्रिएट हो चुका है। नीचे यार देख सकते हो ये GWMcraft2 वाला जो था हमारा सर्वर जो हमने अभी क्रिएट करा था, उसके मैनेज वाले पे आप लोगों को क्लिक कर, जब आप लोग क्लिक करोगे मैनेज वाले पे सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग जो है कंसोल पे आ जाओगे। एंड कंसोल देखो अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके जो जीमेल है उस पे एक और नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका जो सर्वर है वो इंस्टॉल हो चुका है। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, तो मैं काम करता हूं कि इसको इंस्टॉल होने देता हूं, देन मैं आप लोगों से मिलता हूं। तो गाइस जो हमारा सर्वर है गाइस वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे हमें 2GB रैम एंड 200% CPU मिला है, जिसमें 20 प्लेयर्स तो इजीली आपके सर्वर पे खेल सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट कर लिया है। सो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बस अपना सर्वर स्टार्ट हो भी गया है। तो अभी मैं आप लोगों को और भी सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि जैसे कि आप लोग व्हाइट लिस्ट कैसे ऑन कर सकते हो या फिर प्लेयर के स्लॉट वगैरह आप लोग कैसे चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फाइल मैनेजर में आना है, देन आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। एंड यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा सर्वर प्रॉपर्टीज, सो इसके अंदर आप लोगों को जाना है। एंड यहाँ पे गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैक्स प्लेयर, तो आप लोग इसको काट के चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि 10 प्लेयर्स का है तो आप लोग 20 प्लेयर्स का कर सकते हो। सो यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हो, वैसे मैं चेंज करने वाला नहीं हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट लिस्ट, तो उसको ट्रू करो तो व्हाइट लिस्ट ऑन हो जाएगा, लॉ लिस्ट जो है वो व्हाइट लिस्ट ही है, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पे देखने को मिल जाएगी, तो यहां से आके आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहां पे सेव कर देना, अगर कुछ भी करो देखो सेव वाला ऑप्शन है, तो सेव करने के बाद आप लोग एक बार सर्वर को रीस्टार्ट कर देना, देन आपका जो सर्वर में जो भी चेंजेस करोगे वो हो जाएगा। तो नेटवर्क वाले ऑप्शन में आने के बाद यहां पे आप लोगों को ये मिल जाएगा एंड यहां पे पोर्ट मिल जाएगा, दोनों को कॉपी कर लेना। होस्ट नेम जो है गाइस वो है आपका IP एंड जो पोर्ट था तो पोर्ट तो है ही, तो दोनों को कॉपी करने के बाद आप लोगों को माइनक्राफ्ट में आना है, ऐड सर्वर में आप लोगों को यहां पे सर्वर में ऐड कर देना है। तो यहां पे मैंने IP डाल दिया है एंड यहां पे मैं जल्दी से इसका पोर्ट भी डाल देता हूं। तो पोर्ट यार यहां पे
जो है यहाँ पे मैंने पोर्ट भी जो फिल कर दिया एंड सर्वर का नाम मैं कुछ भी ऐसे ही डाल देता हूँ यहाँ पे। वैसे मैं इसको टेस्टिंग के लिए मैंने कर रहा था, यहाँ पे सेव कर देना है। देन गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा सर्वर स्टार्ट है और हम लोग सर्वर को ज्वाइन करने का ट्राई करते हैं, तो देखते हैं यार ये सर्वर ज्वाइन होता है। वैसे तो ज्वाइन तो हो ही जाएगा। सो गाइस आप लोग मेरे स्टेप को सारे स्टेप को फॉलो करना एंड अभी वीडियो छोड़ के मत जाना। मैं आप लोग को एंड में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोग को दिखाने बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे देखो जो है हमारे सर्वर, तो लोकेटिंग सर्वर एंड लोडिंग स्टार्ट, तो हमारा सर्वर हो चुका है। तो देख सकते हो गाइस हमने जो है अपना सर्वर ज्वाइन कर भी लिया एंड ये 100% वर्किंग है। एंड गाइज अगर आप लोगों को कभी भी अपने सर्वर के कंसोल पे जाना हो तो आप लोगों को यहाँ पे उनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे आना है, देन आप लोगों को सील्ड होस्ट पे जाना है एंड यहाँ से आप लोगों को जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था वैसे आप लोगों को सर्वर को लॉगिन कर देना है। देन आप लोगों को 3 डॉट पे जाना है एंड यहाँ से आप लोगों को अपना जो सर्वर है गाइज उसको सेलेक्ट कर देना है। सो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्रेडिट्स वगैरह दिखा रहा है यार, तो आपके अकाउंट में क्रेडिट ऐड कर दिया जाएगा। जब आपका क्रेडिट मतलब खत्म हो जाएगा तो आप उनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे मैसेज करना, वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सर्वर पे जाके आप लोग यहीं से अपने कंसोल वगैरह पे जा सकते हो। सो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि आप लोग कंसोल पे कैसे जा सकते हो। सो यहां से देखो आ चुके हैं हम लोग कंसोल पे एंड यहां पे आप लोग जो भी कमांड डालना हो तो आप लोग यहीं पे कंसोल पे डाल सकते हो। जैसे कि देखो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहां पे कोऑर्डिनेट्स ऑन कर देता हूं, तो यहां पे स्लैश लगाना नहीं होता, गेम रूल एंड जो भी कोऑर्डिनेट है गाइस वो आप लोगों को डाल, मतलब कि जो भी कमांड है गाइस वो आप लोगों को डाल देना है। तो यहां पे शो कोऑर्डिनेट्स एंड देन मैं आप यहां पे ट्रू कर देता हूं एंड इसको मुझे एंड एंटर कर देना है। सो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो गेम मोड मतलब कि कोऑर्डिनेट है यार वो भी ऑन हो चुका है। सो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कंसोल पे आके जो सारी चीज़ें कमांड वगैरह है वो डाल सकते हो एंड यहाँ से आप लोग कंसोल पे आ सकते हो। तो सारी चीज़ें आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी, मैंने आप लोग को शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ बता दिया है। सो गाइस यहाँ पे देखो मैंने उनके डिस्कॉर्ड सर्वर से एक जो है स्क्रीनशॉट लिया है एंड इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि अगर आप लोगों को कोई सी प्रॉब्लम होती है तो आप उनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे टिकट बना सकते हो। देन वहाँ पे आप लोग को जो भी चीज़ें पूछनी है मतलब कि छोटी छोटी चीज़ भी आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हो, बट यार बिना वजह के टिकट वगैरह मत बनाना, आप लोग को बैन भी किया जा सकता है। सो ये थी यार आज की वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और हाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि कोई सी भी प्रॉब्लम हो आपको उनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाना है, देन वहाँ पे आप लोगों को टिकट बनानी और उनसे बात करना है, ठीक है। और बार बार पिंग मत करना यार वरना आप लोगों को बैन भी किया जा सकता है, वो बाद में यार आप लोगों को रिप्लाई कर देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।